हे गाइस, तो आज हम बना रहे हैं ब्लू बेरी क्रम्बल, जो अंदर से बहुत ही जूसी और ऊपर से बहुत क्रस्टी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक बोल में हम सेम क्वांटिटी में ओट्स और मैदा लेंगे और इसमें हम कोल्ड बटर डालेंगे। या तो आप उसको ग्रेट कर लीजिए या फिर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। हर डेजर्ट के टेस्ट को एनहांस करने के लिए उसमें चुटकी भर नमक भी डालना चाहिए। आप चाहें तो इसमें पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें शुगर क्रिस्टल्स डाले क्योंकि वो क्रस्टी टेक्सचर देते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जेस्ट। नींबू को अच्छे से धो लें और उसके छिलके को ग्रेट कर दें। अब हमें 5 मिनट तक इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि इसका ऐसे मुट्ठी वाला टेक्सचर नहीं आ जाता। अब ब्लूबेरीज को अच्छे से धो के सुखा लें और इसमें डालें थोड़ा सा नींबू का रस। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। आप चीनी की क्वांटिटी ब्लूबेरीज के खट्टेपन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मैदा, ताकि ब्लूबेरीज बेक होने पे जब उसका जूस निकले तो उसे अच्छा सा टेक्सचर मिले। अब अपने क्रम्बल वाले मिक्सचर को अच्छे से ब्लूबेरीज के ऊपर डालें और इसे बेक करें 160 डिग्री पे 20-25 मिनट्स के लिए। और ये आपका सुपर डिलीशियस ब्लूबेरी क्रम्बल रेडी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।